तुम अस्वीकार क्यों कर रहे हो चुनौती शिकारी की? आचार्य आप? प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भावा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो चंद्रगुप्त। तुम शिकारी की चुनौती को अस्वीकार क्यों कर रहे हो? यदि इस बार मैं हार जाता तो, और फिर ये अर्थात हारने का भय रोक रहा था तुम्हें। याद रखना चंद्रगुप्त, यही भय तुम्हें विजय भी दिलाएगा। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। जो लोग भय को बहुत गंभीरता से लेते हैं, विजय श्री उन्हीं के गले में जयमाला डालती है। देखो वत्स, नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं। पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाए वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर ये संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। वैसे मैं इस चुनौती का निर्णय करता हूं, इसलिए तुम्हें इसमें बेईमानी का कोई भय नहीं होना चाहिए।